आइए वेलकम करते हैं सबा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फुल आज तो पर्स लटका है गर्ल। यस। इतना वेट लूज किया है माशाल्लाह। मतलब कि ड्रास्टिक चेंज लग रहा है। अच्छा, अगर मैं आपके पिछला जो आप आई है मेरे शो पे वो दिखाऊं, उस वक्त भी आप मोटी नहीं थी, लेकिन इस वक्त तो आप मतलब लाइक मैंने मेहनत की है बहुत। सब कुछ गया ना, गर्दन और गर्दन निकल आई। हाँ, कि सभा फैसल की गर्दन इतनी लंबी है। और पता है आपको, जब मुझे ऐसा लगता है जब आप थोड़े स्लिम हो जाते हैं तो लूज कपड़े बड़े मजे से आप पहन सकते हैं। लोग कहते हैं ना फिटिंग वाले पहने तो आप स्मार्ट लगेंगे, मुझे लगता है लूज बहुत। और मैं वही पूछना चाह रही थी कि भाई माशाल्लाह, ये एक होता है ना, कुछ लोगों के अलग अलग फेजेस होते हैं। कुछ लोग अपने टीनेज में बड़े इतने कोई कहते हैं ना कि ग्लो उनकी अलग होती है, फिर ट्वेंटीज आ जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा जो है फेजेस में चेंज नज़र आते हैं, पर सबा फैसल की ग्रेस हर एज में नज़र आई है। सो इसका राज क्या है? पता नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता मैंने कभी जिंदगी में इतनी मेहनत की हो। हाँ। लेकिन आफ्टर 40 आप फिर, पहले मैं कुछ भी खाती थी, मैं बेफिक्र रहती थी, मुझे लगता था कि वेट बढ़ता ही नहीं है। हाँ। आफ्टर 40 फिर आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर आप थोड़ी सी भी कोई अला बला खा लें, जो कि हम खा स्लो हो जाता स्लो है ना, जाता है ना। हाँ, बस थोड़ी फास्ट एज के साथ साथ बड़े मसले तो मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपने हमेशा वेट चेक किया है? मतलब लाइक अपने टीन्स 20s में चेक करती रही है वेट? नहीं, कभी भी दुबली? कभी, हमेशा से मैं बहुत दुबली रही। मैं 3 बच्चों के बाद भी बिल्कुल मेरा वेट वही आ जाता था जो मैं पहले होती थी, लेकिन अब जाकर मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया तो मैं कॉन्शियस हुई। और इसलिए नहीं हुई, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो नहीं, आप तो स्मार्ट लगती हैं, आपको ज़रूरत क्या है, लेकिन इंसान को खुद फील होता है कि वो मेरा गोश्त आता है ना, तो मुझे ना ये कंधे मेरे बहुत ब्रॉड हो जाते अच्छा। हैं, और साड़ी बांधूं तो मुझे इधर गोश्त लगता है, और फिर मैं इतनी कॉन्शियस हो जाती हूँ, नहीं भाई मुझे साड़ी नहीं बांधनी। आपको कोई कुछ नहीं कहता, आप खुद अपने आप को कुछ कहती है? मजे की बात है निदा, मुझे आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि मोटी हुई भी हो पतली हुई भी हो, लेकिन सादिया बहुत बड़ी क्रिटिक है वैसे आपकी बेटी ना। सादिया मुझे हमेशा बताती है, नहीं अम्मा कोई कितनी भी आपकी तारीफ करे लेकिन आजकल आपने गेन किया है। सादिया ने खुद अपने आप को कैसे फिट रखा है? वो बहुत माशाल्लाह, वो तो जितनी मेहनत करती है, मैं मेरे पास ना टाइम है ना मैं कर सकती हूँ, वो तो बहुत मेहनत करती है। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है वैसे सादिया ना, माशाल्लाह हर लिहाज से। तो फिर मैंने खुद सोचा, मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश की, कि मुझे मेरा पहले हाइट के हिसाब से मुझे लगता था कि 70 मेरा बिल्कुल सही है। हाँ, वेट माशाल्लाह आप टॉल है ना, टॉल हूँ ना, तो 70 वेट मेरा, 75 हूँ, 6'5" 7 हूँ, तो मेरा 70 kg परफेक्ट था। अच्छा। लेकिन फिर अब मैं 70 से ऊपर नहीं जाने देती थी वेट, लेकिन अब मैं कुछ भी कर लेती थी, वो 1-2 kg, फिर जरा लाहौर चली गई, खाने खाए, डिनर्स किए, फिर 1-2 kg, तो बढ़ते 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 मेरा बहुत बढ़ गया था, मैं बताना भी नहीं चाहती। और मैं ड्रामों में, वैसे अभी मेरा एक प्ले चल रहा है उसमें मैं खुद को देख रही हूँ, मेरा मुँह इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन शायद लोगों को फील नहीं होता, मुझे फील होता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने जिंदगी मैं खुद चेक करती हूँ, और जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने अब अपना कुछ वेट के लिए मेहनत करनी शुरू की। लेकिन उसका इतना मजा आया, उस आपका वेट जब कम होता है आपको कपड़े पहनने का मजा आता है, आपको मेकअप का मजा आता है, आपका दिल खुश रहता है, आप सुबह उठते हैं, आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, आपको सब बहुत अच्छा अच्छा लगता है, तो दिल खुश हो तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here, please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.